नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने इस सप्ताह की राशिफल के साथ। कैसा रहने वाला है सभी राशि के जातकों के लिए यह पूरा सप्ताह, साथ ही इस सप्ताह आपको कौन से उपाय करने हैं, आपके लिए शुभ रंग कौन सा होगा, शुभ अंक कौन से होंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके और आपको अड़चनों का, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, इसे अपनी नाम की राशि और चंद्र राशि के आधार पर ही देखने का प्रयास करें। शुरुआत करूंगी मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह खुशियों, उपलब्धियों, सम्मान पाने के इंतजार का है। यदि आप किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए लालायित हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। साथ ही आपके कार्यक्षेत्र पर आपके विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही सोच विचार करके, सतर्कता के साथ, सूझबूझ के साथ अपने वर्क प्लेस पर कार्य करें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके वर्क प्लेस पे इस समय पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है, जिससे आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ बचना होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ही अच्छी तरह से सोच विचार कर ले, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी मित्र या किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने के योग बनेंगे। किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए आपको किसी का सहयोग मिलेगा, जिससे कि आपको मुनाफा भी होने के चांसेस बनेंगे। जो महिला हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कहीं काम करती हैं, नौकरी करती हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। परंतु इस सप्ताह मेष राशि के सभी जातकों को आलस्य से बचना होगा, अन्यथा आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके परिवार का माहौल भी नकारात्मक हो सकता है। आपके परिवार में आपके पिताजी के साथ आपकी अनबन हो सकती है, इसलिए सामंजस्य एवं धैर्य बनाए रखें। अगर बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप की, तो इस समय बहुत ही अच्छा समय गुजरने वाला है। घूमने फिरने का मौका मिलेगा, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। साथ ही अगर जीवन साथी की बात करें, आपके मैरिड लाइफ की बात करें, तो समय बहुत ही अच्छा गुजरेगा, बहुत ही खुशनुमा माहौल रहेगा, घूमने फिरने का माहौल बना रहेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। सेहत को लेकर थोड़ी बहुत परेशानियां आपको हो सकती है, मौसमी बीमारियों की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस सप्ताह उपाय करना है आपको, भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ दें। शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है नारंगी। अगली राशि है वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणामों वाला हो सकता है। कुछ तनाव बने रह सकते हैं, पिछले दिनों के जो गतिरोध थी उसमें शांति महसूस करेंगे आप। निजी संबंधों की अगर बात करेंगे तो आपको सहयोग मिलेगा अपने निजी लोगों से, या अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो आपके लव मेट से भी आपको बहुत ज्यादा सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। कुछ विचार, कुछ योजनाएं जो आपके मन में थी, वह आप नए लोगों से साझा करेंगे और उसमें कार्य करने में आप आगे बढ़ेंगे और सक्षम भी रहेंगे, सफलता भी प्राप्त करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो बहुत ही अड़ियल रवैये के हैं, उन्हें बदलने का प्रयास बिल्कुल ना करें, उन्हें एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। इस समय में कुछ मानसिक स्थिति आपके आनंद, दुख, स्वार्थ, निस्वार्थ इत्यादि मंतव्यों के बीच झूलता हुआ रहेगा, परंतु इस समय में आप तनाव से बाहर निकलने में सक्षम रहेंगे। अगर बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। इस सप्ताह आपके पिछले दिनों के किए हुए कार्यों से या पुराने इन्वेस्टमेंट से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोई बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था आपका, रुका हुआ था, कोई बहुत ही विशेष कार्य आपका जो रुका हुआ था, इस सप्ताह पूरा होने के योग बन रहे हैं, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर बात करेंगे नौकरी की और व्यापार व्यवसाय की, तो सप्ताह के मध्य के बाद तरक्की के योग बन रहे हैं, बहुत ही तरक्की मिलेगी, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, मनचाही ट्रांसफर मिलने के योग बन रहे हैं, व्यापार में भी मनचाही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। धन के मामले में ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, तो परिवार के सदस्यों के साथ घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं।
स्वास्थ्य से थोड़ा सा परेशानी मिल सकती है आपको, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जल से संबंधित रोग होने की आशंका है, फेफड़ों से संबंधित रोग होने की आशंका है, सांस की परेशानी आपको हो सकती है, पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, थोड़ा सा आप सतर्क रहें। इस सप्ताह के लिए उपाय करना है आपको, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, हल्दी का तिलक लगाएं। शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है सफेद। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ी बहुत चुनौतियां लेकर आ रहा है। आपके वर्क प्लेस का माहौल नकारात्मक हो सकता है, आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। बहुत ही सूझबूझ के साथ और सतर्कता के साथ अपने वर्क प्लेस में आपको काम करना पड़ेगा। जो युवा वर्ग के लोग हैं उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कल्पनाओं से बाहर आकर सही दिशा में प्रयास करना होगा, तभी उन्हें सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, परीक्षा प्रतियोगिताओं में लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। जो जातक टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं उनके लिए ये समय बहुत शुभ रहने वाला है। जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए ये समय थोड़ी चुनौतियाँ लेकर आ रहा है। अपने लव मेट की और अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखें, अन्यथा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि कुछ मामलों में विवाहित लोगों के ससुराल पक्ष से उन्हें सहयोग मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक तंगी का इस सप्ताह सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक पक्ष आपका कमजोर हो सकता है, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। संतान के भविष्य को लेकर चिंता बनी रहेगी, उनके भविष्य को लेकर आप कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही आपके पिता की सेहत को लेकर भी आपका मन चिंतित हो सकता है। अपनी चिंताओं से बाहर निकले, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। देखा जाए तो यह सप्ताह थोड़ी बहुत परेशानियों वाला है, परंतु सप्ताह के खत्म होते होते आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। इस सप्ताह आपको अपनी परेशानियों से बाहर आने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। उपाय हैं, श्री गणेश चालीसा का पाठ करें, गणपति को दूर्वा चढ़ाएं। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है सुनहरा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। मानसिक उतार चढ़ाव का दौर कुछ कम होगा, आपका टेंशन कम होगा। किसी खास बात की चिंता आपको सता सकती है, परंतु इस सप्ताह बहुत सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन मिलने के योग है, परंतु कुछ चालाक लोग आपके प्रमोशन के रास्ते में आड़े आ सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, परंतु उनसे आप बहुत ही सूझबूझ के साथ निपटते हुए आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। जो बिजनेस करते हैं जो लोग, उनके लिए यह समय अच्छा है। बिजनेस में भी प्रमोशन मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं पुराना इन्वेस्टमेंट किया था आपने, उससे फायदा होगा, साथ ही नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का आपको मौका मिलेगा। अगर बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, तो परिवार में कोई विवाद चल रहा था तो वो इस सप्ताह सुलझने के योग दिखाई दे रहे हैं। परिवार का माहौल सकारात्मक होने का चांस बन रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले बहुत ही अच्छी तरह सोच विचार कर लें। इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। आपके संतान के कारण आप गर्व महसूस करेंगे, आपके संतान को परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर में सफलता मिलेगी, जिससे कि आपको गर्व महसूस होगा। इस सप्ताह आपको उपाय करना है, भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है आसमानी। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों की दूरदर्शिता व बुद्धिमता के कारण बहुत ही सकारात्मक माहौल बना रहेगा और आपके लिए बहुत ही सफलतादायक समय होगा। खेती बागवानी या निर्माण कार्यों से अगर आप जुड़े हैं तो आपकी कुशलता उभर कर सामने आएगी। बड़ी बड़ी चीजों के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें और छोटी चीजों को लेकर भी सतर्क रहें। इस समय अगर बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो निजी संबंधों के प्रति आपका बहुत ही ज्यादा भावपूर्ण होना, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होना और फिक्रमंद होना आवश्यक है। छोटी छोटी चीजों को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए बहुत ही सतर्क रहें। आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, जो आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर बात करेंगे आपके नौकरी की, तो इस समय आपके नौकरी में आपको अच्छा समय
व्यतीत होगा। नौकरी में आपको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। अपेक्षा से अधिक लाभ होने का योग दिखाई दे रहा है। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के प्रारंभ में आपके कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, जिसे सप्ताह के खत्म होते होते आप बहुत ही बखूबी के साथ निभाने में सक्षम रहेंगे। सफलता प्राप्त होगी आपको। अगर बात करेंगे आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों की, तो थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सामंजस्य बनाए रखें, लव मेट के साथ भी सामंजस्य बनाए रखें। दूसरों की भावनाओं की अनदेखी बिल्कुल भी ना करें। साथ ही अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। कोई पुराना रोग उभर सकता है। मौसमी बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। इस सप्ताह उपाय करना है आपको, श्री हनुमान जी की उपासना करें। ओम हन हनुमते नमः के मंत्र का जाप करें। शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है 6। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी योजनाओं में सफलता मिल सकती है। बीते सप्ताह यदि आप अपने कार्यक्षेत्र या कारोबार में मनचाहा रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाए, तो इस सप्ताह आपकी मेहनत और लगन के कारण आपको सफलता मिलेगी। साझेदारी में अगर आप कारोबार करते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर्स का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कि आपके कार्यक्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। आपके कार्यों को करने में आपको आसानी होगी, सहयोग मिलेगा, आपके कलीग्स का भी सहयोग मिलेगा। हालांकि इस बात का ख्याल रखें कि आपकी बात से ही बात बनेगी, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। बहुत ही सोच समझकर सूझबूझ के साथ बातचीत करें और अपनी वाणी पर संयम रखें, कंट्रोल रखें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की बहुत ही ज्यादा इस समय आवश्यकता होगी आपको। अगर बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, तो माहौल अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा, परंतु आपके किसी बुरे व्यवहार की वजह से आपके परिवार का माहौल नकारात्मक हो सकता है, आपके सम्मान को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए बहुत ही सोच विचार कर सूझबूझ के साथ कोई भी बात करें और निर्णय लें। साथ ही सामंजस्य और धैर्य बनाए रखें। जीवन साथी की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है, इसलिए अपनी जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें। लव मेट के साथ थोड़ी बहुत स्थितियां विवाद की उत्पन्न हो सकती है, सामंजस्य बनाए रखें। जो छात्र है उनके लिए ये समय अच्छा है, परंतु अपनी परीक्षा प्रतियोगिताओं में सफलता के लिए बहुत ही ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति भी सामान्य रहने वाली है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है हरा, और उपाय करना है आपको, रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, गरीबों को भोजन कराएं। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत यात्रा से होगी। धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। इस सप्ताह पैसों का आगमन होगा। आपकी आर्थिक स्थिति इस समय सप्ताह अच्छी रहने वाली है। संपत्ति या शेयर में किया हुआ निवेश आपको लाभ देगा। भौतिक सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च भी करेंगे, परंतु अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, व्यर्थ के खर्चे ना करें। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। सिर दर्द, माइग्रेन इत्यादि रोग आपको परेशान कर सकते हैं इस सप्ताह। आपके संतान की तरक्की होगी, जिससे आपको गर्व मिलेगा। परिवार का माहौल सकारात्मक बनेगा, खुशनुमा बनेगा। परिवार के विवादों का निपटारा हो। इस सप्ताह आप कोई भी कार्य बहुत ही सोच विचार करके करें, तभी आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। प्रारंभ में किसी मित्र या शुभ चिंतक की मदद से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। अगर कोई मैटर कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ था, तो निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बेरोजगारों को नए अवसर प्राप्त होंगे रोजगार के। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। किसी प्रियजन से अचानक सप्ताह के अंत में मुलाकात हो सकती है आपकी। देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। उपाय करने हैं आपको, बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकले, अवसर का लाभ जरूर उठाएं। शुभ रंग है गुलाबी, शुभ अंक है 5। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप सफल भी रहेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोच विचार करेंगे और उसमें आगे भी बढ़ेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस को नई दिशा देंगे, नई ग्रोथ देंगे। आपका बिजनेस इस समय में बहुत आगे बढ़ेगा, तो तरक्की मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य तक महत्वपूर्ण कार्यों का निपटा लेने का प्रयास आपका सफल रहेगा। बहुत तरह की अड़चनें सामने आ सकती हैं, परंतु उनसे निपटने में आप सक्षम रहेंगे। भूमि भवन संबंधी मामलों में बहुत ही ज्यादा सोच विचार कर निर्णय लें। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। साथ ही इस सप्ताह किसी भी प्रकार के कागज पर, किसी भी प्रकार के पेपर पर साइन करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोच विचार कर ले, और साथ ही कोई भी कार्य अगर आपने शुरू किया है तो उसे पूरा जरूर करें, अधूरा ना छोड़े, अन्यथा भविष्य में आपको उसकी वजह से परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। अगर आप नए संबंध, नई दोस्ती बनाना चाहते हैं तो पुराने संबंधों की उपेक्षा बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको नए संबंधों से धोखा मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा, परंतु सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ मिले जुले परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में मिल सकते हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाना होगा। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अपने पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी ना करें। परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा, परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बनेगा, परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है, परंतु खर्चों की अधिकता से बचने का प्रयास करें। व्यर्थ के खर्च ना करें तो आर्थिक स्थिति आपकी भविष्य में अच्छी रहेगी, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह के लिए शुभ अंक है 8, शुभ रंग है भूरा, और आपके लिए उपाय है भगवान हनुमान की उपासना करें। आप गरीबों को उनकी जरूरत का सामान दान करें। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके कर्म और भाग्य का संयोग बनेगा इस सप्ताह। आपके भाग्य का हर कार्य में आपको सपोर्ट मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए जो भी कार्य किए हैं उसमें अधिकांश कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। हर कदम पर किस्मत का आपको साथ मिलेगा, लेकिन आलस्य से बचे रहे, अन्यथा आपके जरूरी कामों में भी आपको हानि हो सकती है। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, कोई महत्वाकांक्षी कार्य आपका अधूरा रह सकता है, कोई इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी आप खो सकते हैं अपने आलस्य की वजह से। इसलिए अपने आलस्य का त्याग इस सप्ताह अवश्य करें, और हमेशा के लिए आलस्य का त्याग करें। समय का प्रबंधन करना सीखिए, आपके समय के प्रबंधन की वजह से ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। पूरे लगन से कार्य करने पर सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सप्ताह के मध्य में शासन प्रशासन से जुड़े लोगों से आपकी मदद होगी मिलेगी। सप्ताह के मध्य में शासन प्रशासन से जुड़े लोगों से आपको मदद मिलेगी। लंबे समय से कोई अटका हुआ महत्वपूर्ण काम आपका पूरा हो जाएगा। आपके प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी। कोई नया दोस्त मिलेगा जिससे आपके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें मनपसंद साथी मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जुटे स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करेंगे अगर आपके परिवार की, तो पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। परिवार का विवाद सुलझेगा। थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं उन्हें खुद भी सुलझाने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी। धन आएंगे पर धन के खर्चों का भी योग दिखाई दे रहा है। व्यर्थ के खर्चे ना करें, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ
समय अच्छा गुजरेगा। कुछ बातों को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें। पिता की सेहत का विशेष ख्याल रखें, पिता की सेहत से जुड़ी परेशानियां आपको हो सकती हैं। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह देखा जाए तो बहुत ही शुभ रहने वाला है। शुभ अंक होगा आपके लिए 7, शुभ रंग होगा गोल्डन और उपाय करना है आपको ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जाप करें, हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाएं। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपके परिवार के बुजुर्ग लोगों का, अनुभवी लोगों का आपको साथ मिलेगा। आप उनकी बात माने तो आपकी तरक्की होगी, साथ ही आपको सफलता मिलेगी आपके हर कार्य में। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह आपके लिए अच्छा समय है। आपको लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक स्थिति में आपकी सराहना होगी, आपके परिवार के लोग आपकी सराहना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, समाज में भी प्रशंसा मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उनकी सराहना मिलेगी आपको, जिससे कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पर माहौल अच्छा रहेगा, आपकी तरक्की होने के मार्ग प्रशस्त होंगे। सरकारी सेवा के क्षेत्र से जुड़े लोगों की तरक्की होगी, उन्हें प्रमोशन मिलेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में विस्तार होने के योग दिखाई दे रहा है। आपका बिजनेस इस समय बहुत आगे बढ़ेगा, तरक्की मिलेगी, नया ग्रोथ मिलेगा, नई दिशा मिलेगी और बिजनेस से आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। इस समय में आपका घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। आपके दोस्तों के साथ आप किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपका मन भी खुश होगा, प्रसन्न होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ ही पुराने दिनों की टेंशन खत्म होगी। स्वास्थ्य भी इस समय अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, लव मेट के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं मकर राशि के, उनके लिए ये सप्ताह थोड़ी बहुत परेशानियों वाला हो सकता है। उनकी संकल्प शक्ति की ज़रूरत होगी, उनको बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तभी वो शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करेंगे और मनचाहे रिजल्ट की प्राप्ति करेंगे। देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है बादामी और उपाय करना है आपको काले कपड़े का दान करें और भगवान शनि देव की पूजा करें। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दे। अत्यधिक चिंता करने की वजह से आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। इस समय में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे तो बेहतर होगा आपके लिए। आपके आर्थिक स्थिति पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। व्यर्थ के खर्चे ना करें, इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। साथ ही आप बहुत ही थका हुआ महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। खुद को तरोताजा बनाए रखने के लिए प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएं, मॉर्निंग वॉक करें, मेडिटेशन करें। लगातार काम करने की वजह से, थकान होने की वजह से आप परेशान रह सकते हैं, इसलिए सबसे पहले अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। व्यवहारिक मसले सप्ताह के अंत होते होते तक सुलझ जाएंगे। आपके पर्सनल रिलेशन के बीच में जो परेशानियां थी, वो परेशानियां भी अब खत्म होती दिखाई दे रही हैं। इस सप्ताह आपके जीवन साथी के साथ जो भी आपके मतभेद थे वो खत्म होंगे और जो लव मेट के साथ अगर कोई अनबन थी तो वो भी खत्म होगी सप्ताह के अंत होते होते। घर परिवार में अच्छा माहौल बनेगा, परंतु छोटी सी बात पर विवाद हो सकता है। उन विवादों को तूल ना दे, धैर्य एवं सामंजस्य बनाए रखें। अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, अन्यथा आपकी कठोर वाणी की वजह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सोच समझ कर ही कोई भी बात बोले तो बेहतर होगा। जितनी जिम्मेदारियां आप ले उतना पूरा करें, अन्यथा वादा ना करें। उतनी ही जिम्मेदारियां आप ले जितनी आप पूरा कर सकते हैं, उससे ज्यादा का प्रॉमिस किसी से ना करें, अन्यथा आपका अपमान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे कि आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, आपको तनाव हो सकता है, इसलिए इन सब से बचने का प्रयास करें। अपने हेल्थ की अनदेखी बिल्कुल भी ना करें। देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम वाला दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह उपाय करें आप, भगवान हनुमान की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है भूरा। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
आर्थिक सफलता वाला सप्ताह रहेगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलने के योग हैं। कहीं आपने पुराने दिनों को इन्वेस्टमेंट किया था, किसी प्रोजेक्ट पर काम किया था, तो उससे आर्थिक उन्नति, आर्थिक प्रगति होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लाभ मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। साथ ही नए प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने की भी संभावनाएं बन रही है। नई प्रॉपर्टी भी आप इस समय खरीद सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में लाभ होगा। कार्य की विस्तार की संभावनाएं हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला। आपकी नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। नौकरी में आपके सीनियर्स का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके सीनियर्स आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उनकी पढ़ाई का, उनकी मेहनत का फल मिलेगा, बहुत ही शुभ परिणाम मिलेगा। जो जातक लव रिलेशनशिप में है, उनके संबंधों पर परिजनों की मुहर लग जाने से उनका मन प्रसन्न रहेगा। अगर बात करेंगे दांपत्य जीवन की, तो जीवन साथी के साथ भी समय अच्छा व्यतीत होगा। साथ ही परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार के साथ और दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही उत्तम रहेगा। शुभ अंक होगा 2। शुभ रंग है पीला। और उपाय करना है आपको, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें, हल्दी का टीका लगाएं। दोस्तों, यह था 25 जनवरी से 31 जनवरी तक का साप्ताहिक राशिफल। आशा करती हूँ यह सप्ताह आपके लिए उत्तम हो, बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति हो आपको। जो उपाय बताए गए हैं उन्हें आप जरूर करें, ताकि छोटी मोटी जो भी परेशानियां होने वाली हों वो ना हो। आशा करती हूँ यह सप्ताह आपका बहुत ही शुभ गुजरे। इसी शुभकामना के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।